इधर ब्लॉगिंग चालू है, मैं चुपके से कैमरा कर रहा हूँ। रुके हैं बाड़ी और वो लोग पुदीना का पत्ता तोड़ रही है बहुत ज्यादा ना, तो देखते हैं कि हम लोग का पुदीना कितना बड़ा हुआ है और कितना घना हुआ है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग का मकई का जो पौधा है वो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, कम से कम हमसे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं उधर क्या हो रहा है। शायद मकई का फूल निकल चुका है और एक दो सप्ताह में मकई भी हम लोग का फलने लगेगा। तो इधर छोटकी पुदीना तोड़ ली, तोड़ ली कितना तोड़ी दिखा, और इतना ज्यादा तोड़ी। और हम और भैया और माँ लगाए थे ये पुदीना और अभी इतना ज्यादा घना हुआ है। बरसात का सीजन है ना, इसलिए इतना घना हो गया। हम लोग गांव में बोलते हैं जन्हायर। अच्छा से ए गिरेगा। हाँ तो इसका डबल हाइट हो चुका है हम लोग का मकई, और इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब धीरे धीरे हम लोग का मकई भी फलने वाला है। तो हम लोग के घर में मकई, मिर्च, बैगन और भी सब्जी लगाई है माँ, तो हम लोग का ज्यादा खरीदना नहीं पड़ता है, घर में हम लोग का हो जाता है। हम लोग पुदीना तोड़ चुके हैं और अभी घर ले जा रहे हैं। छुटकी ले जा रही है इसको घर और इसका अभी चटनी बनाएगी। इस पत्ता को हम लोग जा रहे हैं धोने के लिए, पत्थर में पीसेंगे ताकि पत्थर का पीसने का स्वाद ही अलग रहता है। छोटे महाराज कैसे हैं? अरे अरे हो गया, चल अब इसका क्या बनेगा? चटनी। क्या क्या डालना है इसमें? इसमें डालना है लहसुन, मिर्च और इमली। लहसुन मिर्च किधर है? लहसुन मिर्च फिर पीसने के बाद देंगे तेल और नमक। इसमें इमली रहता तो मजा आता ना। इमली दिए दिए क्या? चलो इसको रखने वाली है। तेल ना? सरसों का तेल। बस बस चटनी बन गया तैयार। पुदीना का चटनी बन गया। तो फ्रेंड्स, मेरा पुदीना का चटनी बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।